हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 फरवरी 2020 को जो एम्स कंबाइंड एग्जाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। मुझे टोटल 120 क्वेश्चन मिले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट में 60, जो आज ही मैं आपके लिए दोनों पार्ट प्रोवाइड करा दूँगी। क्योंकि यदि मैं 120 क्वेश्चन आपके लिए एक वीडियो में दूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मैं भी परेशान हो जाऊंगी इतना सारा पढ़ाते पढ़ाते। तो गाइज, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना, जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोज़ को देख सकें। तो गाइज, एट प्रेजेंट में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप 5 साल तक के जो एम्स के पेपर हैं वो सॉल्व करवा दीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसी चैनल पर एक जो प्लेलिस्ट है एम्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर, उसमें आप देखिए पूरे पेपर जितने भी 2018, 17, 15 तक हुए हैं वो सभी पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो मुझे जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है दोबारा से आपके लिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि जब 7 फरवरी को पेपर हुआ था उसी दिन मैंने रात में ही आई थिंक पूरा पेपर सॉल्व करके आपके लिए प्रोवाइड कराया था। बट उसमें एक मिस्टेक ये थी कि ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, सभी क्वेश्चन में वन लाइनर डायरेक्टली आंसर बताए हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन के साथ क्या ऑप्शन आए बिल्कुल भी नहीं बताया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन भी हैं। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड तक साथ में बने रहना। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विलो गिवन इमेज टेस्टेड यूज्ड, तो यहाँ पर एक कलरफुल जो सर्किल शेप में, ओवल शेप में एक इमेज दिख रही है और 12 लिखा हुआ है, किसके लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर फॉर पेरिफेरल विजन, फॉर नियर विजन, फॉर फार विजन एंड फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो नियर एंड फार विजन के लिए तो स्नेलन चार्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, फॉर कलर ब्लाइंडनेस। इस सर्किल को आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग दिस प्लास्टिक स्लाइड इन ब्लो इमेज। यहाँ पर एक प्लास्टिक स्लाइड यूज़ की जा रही है एक बेड से दूसरे बेड में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये क्यों की जा रही है। ऑप्शन है यहाँ पर टू सेफ पेशेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करेंट, टू सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट, टू प्रिवेंट फ्रॉम वेट सोर, टू प्रोवाइड हार्ड सरफेस टू द पेशेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, फॉर सेफ ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी हो, यदि जब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, पर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो उसमें एक दो क्वेश्चन हमेशा मुझसे तो हमेशा ही गड़बड़ हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनको सुधार के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उन कमेंट्स को पिन करके टॉप पर रख दूँगी ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट इज विच रिफ्लेक्स यू सीन इन बिलो इमेज, यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्स है जो देखने को मिल रहा है। मोरो रिफ्लेक्स, प्लांटर स्वेलोइंग और लेग रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्स हो रहा है ये कौन सा रिफ्लेक्स है, प्लांटर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस इन, यहाँ पर जो हाथ में एक डिवाइस बांधी जा रही है इसका नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर टॉर्निकेट, ब्लड प्रेशर कप, बैंडेज और डिस्पोजेबल थर्मामीटर। तो है टॉर्निकेट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटी इन बिलो इमेज, तो यहाँ पर जो एक इमेज दिख रही है इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है। तो ये डेविएटेड नेजल सेप्टम, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, डेविएटेड नेजल सेप्टम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बीइंग यूज्ड इन बिलो इमेज, तो यहाँ पर डीबीटी पंप है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो क्या है, डीबीटी पंप। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द बिलो गिवन इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेनली यूज्ड इन गायनेकोलॉजी, तो जो गायनेकोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है जो यूज किया जाता है, तो ये फीटोस्कोप। क्या है, फीटोस्कोप। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गिवन बिलो मशीन और इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर ये मशीन दिख रही है ये क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, एबीजी मशीन और सीटीजी मशीन। तो यह है सीटीजी मशीन, कार्डियो टोकोग्राफी मशीन है जिसके थ्रू क्या करते हैं, फीटल हार्ट बीट की रिकॉर्डिंग की जाती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो फीटल मॉनिटरिंग और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको चेक करने के लिए है जो इस मशीन का यूज़ किया जाता है, इसका नाम क्या है, कार्डियो टोकोग्राफी।
नेक्स्ट इज नेम ऑफ द पोजीशन इन बिलो इमेज, तो यहाँ पर एक कौन सी पोजीशन दी गई है, तो यह लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट इज द कंडीशन इन विच बिलो गिवन इमेज इज नोन एज, तो यहाँ पर नोज ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीडिंग को क्या कहा जाता है, एपिस्टैक्सिस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा बी, एपिस्टैक्सिस। मैं यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है वो आपको इसलिए पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवा चुकी हूँ। यहाँ मैं आपके लिए जो पेपर आया था अभी रिसेंट में वो बस आपको उसका पैटर्न बता रही हूँ कि आपके लिए किस तरीके के क्वेश्चन हैं, जो आई होप इसी तरीके का पेपर आया आपके लिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन बिलो गिवन इमेज आइडेंटिफाई मायोसीजर्स, तो इनमें से मायोसीजर्स कौन सी है, तो यहाँ पर ओनली 3 इमेज दी हुई हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वन है जो ये क्या है, मायोसीजर। नेक्स्ट इज द कंडीशन इन द बिलो इमेज इज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पर जो इमेज दी हुई है हाथ दिख रहा है किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये क्या ट्रस्मस साइन है जो जनरली हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है, और एक जो यहाँ पर हैंड इस तरीके से दिख रहा है ट्रस्मस साइन, ये मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों को बताया है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इन द बिलो इमेज इज इन एक्सरे फिल्म दिस इज इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ, यहाँ पर जो एक्सरे दिख रहा है इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं, लिवर एंड चेस्ट, गॉल ब्लडर एंड चेस्ट, एब्डोमेन एंड चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, तो ये क्या है एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे फिल्म शोज एब्सोल्यूट प्लूरल इफ्यूजन फाइंडिंग, यहाँ पर ये 4 इमेज दी हुई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इनमें से कौन सी इमेज है जो प्लूरल इफ्यूजन की फाइंडिंग को शो कर रही है, तो यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन की फाइंडिंग को जो इमेज शो कर रही है वो है थर्ड इमेज, क्या शो कर रही है प्लूरल इफ्यूजन, से इज द राइट आंसर इज सी थर्ड। नेक्स्ट इज इन द बिलो वीडियो, यहाँ पर वीडियो मुझे नहीं मिला था, इतनी इमेज बस मिली है, तो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसका आंसर मुझे नहीं था पता, मैंने इसलिए इसको छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें मैंने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, आप लोग उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराऊंगी आपको उसमें उतने जो भी क्वेश्चन के आंसरिंग आप सही बताएंगे और मैं भी उनको सर्च करके सही करने की कोशिश करूंगी, इसलिए मैंने इनको नहीं बताया ताकि मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग ज़रूर बताना, जिन भी लोगों ने पेपर दिया होगा तो उनको वीडियो भी याद होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। नेक्स्ट इज इन बिलो वीडियो नर्स अप्लाइज अ डिवाइस टू द पेशेंट दैट इज़ यूज टू, तो यहाँ पर ऑक्सीमीटर है जो यूज़ किया जा रहा है, तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, SPO2 को असिस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा SPO2। नेक्स्ट इज द बिलो गिवन डिवाइसेस यूज्ड इन, तो ये क्या है एम्बू बैग है, किसके लिए यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ऑप्शन है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, रेस्पिरेशन, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन और डिनन ऑफ दी हब, तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, क्या है एम्बू बैग। नेक्स्ट इज इन द बिलो वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज यूज फॉर कैथेटराइजेशन, तो यहाँ पर मैंने इमेज रखी हुई है क्योंकि वीडियो मुझे नहीं मिले, तो यहाँ पर जो कैथेटराइजेशन किया जा रहा है आर्टरी में, तो कौन सी आर्टरी यहाँ पर यूज़ की जा रही है, तो यह है अल्नर आर्टरी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कंडीशन इन बिलो इमेज, यहाँ पर क्या चेक किया जा रहा है, तो यह है एडिमा, साइनोसिस होता तो ब्लूइश कलर में देखने को मिलता, गैंग्रीन होता तो ब्लैक कलर में कुछ पार्ट्स देखने को मिलते, बट यहाँ पर पिटिंग एडिमा को जो स्किन को प्रेस कर रहे हैं फिर उसको लीप कर रहे हैं, तो जो कंडीशन देखने को मिल रही है क्या है एडिमा, फिर इज द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई हेलोट्रैक्शन इन बिलो गिवन इमेज, जो हेलोट्रैक्शन है जनरली कहाँ पर लगाया जाता है, हेड में लगाया जाता है, ताकि हेड में किसी भी तरीके की इंजरी हुई हो तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है हेलोट्रैक्शन, तो इनमें से हेलोट्रैक्शन कौन सा है, तो यहाँ पर जो हेलोट्रैक्शन है वो सेकेंड इमेज है वाली, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा सेकेंड वाली इमेज है यहाँ पर हेलोट्रैक्शन। नेक्स्ट इज इन द बिलो इमेज द कंडीशन इज कॉज्ड बाय, यहाँ पर जो इमेज दिख रही है किसके कारण होती है कंडीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, तो जो इमेज देखने को मिल रही है हाइपरथायरॉयडिज्म है, जो आँखें क्या देखने को मिल रही हैं बाहर की तरफ बल्ज देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा हाइपर थायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर है जो परफॉर्म हो रहा है, पेरिफेरल लाइन, फीमोरल लाइन, CVP लाइन और ब्रैकियल लाइन, तो यहाँ पर CVP लाइन है जो इंसर्ट की जा रही है।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दिस कंडीशन इज बिलो इमेज। यहाँ पर ये जो कंडीशन हुई है किसके कारण हुई है, तो हुई इनसफिशियंट पेरिफेरल सर्कुलेशन के कारण। नेक्स्ट इज इन द बिलो इमेज इन अ ह्यूमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिस हेल्प फॉर, तो यहाँ पर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिया है किसके लिए हेल्पफुल होता है, मिक्चुरेशन ब्रीदिंग मूवमेंट ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ट्रैकिया का पार्ट दिख रहा है, तो ये किसके लिए हेल्पफुल होगा, होगा ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट इज इन बिलो इमेज शोन इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन द ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय द, यहाँ पर इमेज दिख रही है इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये किसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है टंग के कारण। नेक्स्ट इज इन द बिलो इमेज एन एनेस्थेटिक इज गिविंग एनेस्थीसिया टू द पेशेंट, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज गिवन। तो यहाँ पर जो एनेस्थीसिया दिया जा रहा है कौन सा एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, दिया जा रहा है स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन है जनरल स्पाइनल और स्पेसिफिक दिया जा रहा है स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट इज इन बिलो इमेज द स्केल इज यूज टू असिस, क्योंकि एम्स का एक लौता पेपर है, एक लौता एग्जाम है जिसमें इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और किसी भी एग्जाम में है जो वीडियो बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, बट वीडियो बेस्ड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, यदि कंपेयर किया जाए तो ओनली एम्स के एग्जाम्स में आते हैं। और इस बार तो और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है और पूरे 15 एम्स के लिए पेपर, 15-16 एम्स के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा टफ पेपर आए, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखिए। तो यहाँ पर जो स्केल जो दिख रही है, यहाँ पर जो हैप्पी फेस दिख रहे हैं किसमें यूज़ किए जाते हैं, तो पेन असेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी सीन इन बिलो गिवन ईसीजी, यहाँ पर जो ईसीजी स्ट्रिप दिख रही है इसमें कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिल रही हैं, ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वेंट्रिकुलर ब्रैडीकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर जो ईसीजी स्ट्रिप दिख रही है देखने को मिलती है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। नेक्स्ट इज इन द बिलो वीडियो दिस प्रोसीजर इज डन बिफोर सर्जरी, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड, कोई भी सर्जरी के पहले जो प्रोसीजर किया जाता है, तो जो यहाँ पर प्रोसीजर किया जा रहा है कौन सा है, तो है बीटाडीन पेंटिंग। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोसीजर इज डन इन बिलो इमेज, तो यहाँ पर जो प्रोसीजर किया जा रहा है कौन सा प्रोसीजर है, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, लेवेज एंड गैवेज। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है ये प्रोसीजर हो रहा है जनरली एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन बिलो इमेज, यहाँ पर ये डिवाइस यूज है, क्या नाम है इस डिवाइस का, तो ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट इज इन बिलो वीडियो सर्जन इज यूजिंग इलेक्ट्रिक कॉटरी इज अ टाइप ऑफ, ये इलेक्ट्रिक कॉटरी है कौन सी है, बाइपोलर, मोनोपोलर, यूनिपोलर और ननफ्तीस। तो जो कॉटरी देखने को मिल रही है क्या है, मोनोपोलर कॉटरी। नेक्स्ट इज इन अवर बॉडी स्पेशल नर्व ब्रांचेस हैव स्पेशल वर्क इन द बिलो पिक्चर इट इज कॉल्ड, तो हमारी बॉडी में जो अलग अलग नर्व ब्रांच होती हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। फिर जो इमेज दिख रही है यहाँ पर एक किस तरीके की इमेज है, तो एक्चुअल में इमेज है जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं भी इसका आंसर देने में थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ, बट फिर भी आप लोग इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट इज इन बिलो ईसीजी स्ट्रिप आइडेंटिफाई द नेम इन रेड सर्किल, रेड सर्किल से यहाँ दिख रहा है क्या है, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज इन बिलो सोन इमेज इज अ स्पायरोमीटरी टाइप ऑफ, स्पायरोमीटर है यहाँ पर, तो किस टाइप का स्पायरोमीटर है, ये एक्सटेंसिव स्पायरोमीटर, कौन सा स्पायरोमीटर, एक्सटेंसिव स्पायरोमीटर। नेक्स्ट इज पेशेंट हैज PPH आफ्टर डिलीवरी द ब्लड स्प्लिंग टू हाफ बेड सोन इन बिलो इमेज, आइडेंटिफाई हाउ मच ब्लड लॉस इन दिस पेशेंट, तो यहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड कंसीडर किया गया है पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए वो कितना है, मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा, तो यहाँ पर हाफ ब्लड क्या है, पूरा स्प्लिंग हुआ है ब्लड का, तो यदि जो किडनी ट्रे यहाँ पर दिख रही है इतना बस होता भर के तो 500 ml कंसीडर किया जाता, बट इस तरीके से पूरे बेड पर दिख रहा है तो ये कितना होगा 1000 ml, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी 1000 ml। नेक्स्ट इज इन बिलो वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डन,
तो यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर है जो परफॉर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर है सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अ फिजिशियन ऑर्डर्ड अ हेपरिन इन्फ्यूजन टू अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद डीवीटी। नर्स रिमेंबर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अवेलेबल। एक फिजिशियन ने हेपेरिन इन्फ्यूजन को ऑर्डर किया है एक पेशेंट जो डीवीटी का है, तो हेपेरिन के साथ है जो आपके जो ट्रे है उसमें क्या और मेडिसिन होना चाहिए, विटामिन के, वारफरिन, प्रोटामाइन सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। जब भी हेपेरिन इन्फ्यूज करें या दें तो आपके पास उस टाइम पर प्रोटामाइन सल्फेट भी होना चाहिए। यदि इनकेस हेपेरिन ओवरडोज हो जाता है, टॉक्सिटी हो जाती है, तो आपके पास उसका एंटीडॉट भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइट हॉट स्पॉट इन जेरोप्थैलमिया इज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ, तो दोनों डेफिशियंसी हैं विटामिन ए की कमी के कारण देखने को मिलती है, वाइट हॉट एंड जेरोप्थैलमिया। नेक्स्ट इज इन एच आई पॉजिटिव पेशेंट माउंट एक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज पॉजिटिव एंड द स्कार इज मोर देन। माउंट एक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट को पॉजिटिव कब माना जाता है, जब स्कार मोर देन 15 mm डायमीटर में फैला हुआ दिखे। नेक्स्ट इज क्लासिक साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इन चाइल्ड, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मेन क्लासिक साइन है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज इन सीवियर डिस्निया विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन नर्स गिव द पेशेंट। डिस्निया में क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कौन सी पोजिशन है जो प्रोवाइड कराई जाएगी उस पेशेंट के लिए, सुपाइन, लेफ्ट लेटरल फॉलोअर, सेफ ट्रेंडलेनबर्ग। जनरली डिस्निया की या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है कोई सी भी तरीके की, तो उसमें है जो मेन पोजीशन दी जाती है वो होती है फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट इज विच पोजीशन विल यू गिव इन एन लम्बर पंचर प्रोसीजर, लम्बर पंचर प्रोसीजर में है जो कौन सी पोजीशन दी जाती है, लम्बर पंचर में जनरली जो पोजीशन दी जाती है वो होती है सी शेप्ड पोजीशन। इस तरीके से सी शेप्ड पोजीशन है जो दी जाती है। नेक्स्ट इज इनक्यूबेशन पीरियड और टिटनेस, तो टिटनेस का जो एक एग्जैक्ट जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो तो कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स में भी देखा है, बट जिसका एवरेज इनक्यूबेशन पीरियड माना जाता है वो होता है 10 days, 10 दिन का। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हु हैज हाइपर कैलेमिया विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ECG सीन, तो मैंने अभी आपको एक दिन पहले ही है जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो MCQ आपको बताया था, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया था हाइपर कैलेमिया में है जो ECG किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो टी वेव है कैसी होती है, टॉल टी पीक्ड वेव पर रहती है जो टी वेव, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज इन DPT वैक्सीन P स्टैंड फॉर, तो DPT वैक्सीन क्या है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, तो पर्टीसिस को और क्या कहा जाता है, वूफिंग कफ, 100 day कफ, तो यहाँ पर पी का मतलब क्या होगा, वूफिंग कफ, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इन ICU नीड्स अर्जेंट CPR, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू कॉल इमरजेंसी CPR टीम, तो एक पेशेंट ICU में उसको तुरंत CPR की ज़रूरत है, तो जो ICU में इमरजेंसी लेवल पर जो अलग अलग कोड यूज़ किए जाते हैं, तो आप कौन सी टीम को बुलाएंगे, किस तरीके से CPR टीम को आप बुला सकते हैं, कौन सा कोड यूज़ करके, कोड रेड, कोड ब्लैक, कोड ब्लू और कोड पिंक। तो इमरजेंसी में ICU में जब हम CPR के लिए किसी पेशेंट को बुलाना है तो वो होगा कोड ब्लू। यहाँ पर ये देखिए इमरजेंसी के कोड भी दिए हुए हैं, कोड सिल्वर एक्टिव शूटर हो यदि, तो कोड ऑरेंज यदि असिस्टेंट की ज़रूरत हो, किसी भी हैजार्ड स्प्लिंग हुआ है वहाँ पर फैला है, आग लगी हो, तो कोड रेड को, कोड ब्राउन सीवियर वेदर के लिए यूज़ किया जाता है, कोड पिंक और पर्पल यदि चाइल्ड मिसिंग है, कोड ब्लैक बॉम्ब थ्रेट के लिए, कोड व्हाइट है जो हॉस्पिटल इवैक्यूएशन के लिए, कोड ग्रीन इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान एक्टिवेशन, और कोड ब्लू है जो कार्डियक अरेस्ट और मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको कलर कोड याद रखना है जो इमरजेंसी कोड है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नर्स शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग साइज कैन्यूला, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो बेस्ट कैन्यूला साइज मानी गई है वो 18 gauze की कैन्यूला साइज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज विच फ्लूड इज यूज टू फ्लश IV लाइन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो IV लाइन को फ्लश करना होता है तो कौन सा जो फ्लूड है वो यूज किया जाएगा, तो होगा नॉर्मल सलाइन।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स इन स्मॉल अमाउंट विथ ए बी जी ब्लड सैंपल सिरिंज। तो आप ए बी जी ब्लड सैंपल सिरिंज में और क्या है जो साथ में थोड़ा सा अमाउंट है जो मिक्स करेंगे, नॉर्मल सलाइन, हेपेरिन, इंसुलिन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो यहाँ पर हमेशा हेपेरिन को है जो साथ में, जब भी ए बी जी सैम्पलिंग की जा रही हो तो आपके लिए साथ में क्या करना है, थोड़ा सा हेपेरिन को भी साथ में मिक्स करना होगा ताकि जो सफिशियंट एंटीकोआगुलेंट का काम करे ब्लड सैंपलिंग के लिए। नेक्स्ट इज अ वुमेन कम्स टू द हॉस्पिटल, हिज हिस्ट्री इज वन अबॉर्शन 2 ईयर बैक, वन ट्विंस बेबी एंड नाउ सी इज प्रेग्नेंट, व्हाट इज द GTPL स्कोर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी इमेज रखी है जिससे आपको GTPL स्कोर निकालने में ईजी रहे। जी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितने बार प्रेग्नेंट हुई है। तो वो लेडीज वहाँ पर एक अबॉर्शन हुआ है वन टाइम, जो वन ट्विन से मतलब कि एक ही बार उस टाइम पर ग्रेविड हुई, और एक प्रेजेंट में। तो क्या हो गया G3। पैरा बी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बर्थ आफ्टर 20 वीक। तो प्रेजेंट में नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं उसके, एक है जो वन ट्विन प्रेगनेंसी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा P1। जी टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, तो वो टोटल 3 बार। फुल टर्म प्रेगनेंसी, उसकी एक प्रेगनेंसी है जो ट्विंस को उसने जन्म दिया है, तो T1। पी प्री टर्म डिलीवरीज, एक भी नहीं हुई है, अवोशन और मिसकैरेज हुआ है उसका एक बार, और लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं प्रेजेंट में, 2 हैं। तो उसका GTPL स्कोर होगा G3 T1 P0 A1 L2। आप लोग अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करके है जो देख सकते हैं, बट आपको जो यहाँ पर जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्या कर रहा है, तो ये सभी डिजिट आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट इज इन अ न्यू बॉर्न बेबी वाइट चीजेस लेयर ओवर द स्किन इज कॉल्ड। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके ऊपर पूरी बॉडी पे वाइट कलर का चीज लाइक सब्सटेंस लगा हुआ होता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वर्निक सिजोसा। नेक्स्ट इज कैटगट सूचर इज विच टाइप ऑफ सूचर। तो कैटगट सूचर किस टाइप के सूचर हैं, तो ये हैं नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर, जो विद इन 19 डेज में बॉडी में अपने आप ही क्या हो जाते हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फ्लूड सोल्यूशन कॉज फ्लूड शिफ्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड वेसल। किस तरीके के फ्लूड हैं जो टिश्यू से ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर होते हैं, तो ये हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनायर इज यूज इन एल्कोहलिज्म। तो एल्कोहलिज्म के पेशेंट में जो क्वेश्चनायर यूज किया जाता है वो क्या है, केज क्वेश्चनायर। नेक्स्ट इज फॉर असिस्मेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन। तो बच्चों माल न्यूट्रिशन के बच्चे हैं उनमें असेसमेंट किस बेस पर किया जाता है, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज, बॉडी मास इंडेक्स और डाइट। वेट फॉर हाइट के हिसाब से है जो उनका माल न्यूट्रिशन के बच्चों में असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट साइन अ पेशेंट हु इम्यून सिस्टम इज सप्रेस्ड। जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है, वीक होता है, तो उन्हें फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलता है, तो उनका प्लेटलेट काउंट है जो हमेशा कम रहता है, क्योंकि इन्फेक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा WBC। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स काउंट है क्या होता है, कम होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर मैं भी आपको बताऊंगी। तो इसमें मैंने 60 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं, बट 60 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इसको भी कई बार बता चुकी हूँ। अ पेशेंट हैज़ अ रीनल ट्रांसप्लांट 24 आवर बिफोर, नर्स वुड अंडरस्टैंड दैट वार्निंग साइन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज। तो एक पेशेंट का 24 घंटे पहले रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आपको फर्स्ट वार्निंग साइन है जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या रहेगा। ऑप्शन है फीवर विथ चिल्स, लो ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर, यूरिन आउटपुट 50 ml पर आवर। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आप लोग उनके आंसर जल्दी देना, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आज ही लेके आने वाली हूँ। आई थिंक 2 से 3 बजे के बीच में आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।